हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की पोएम रेन ऑन द रूफ। इस पोएम को लिखा है कोएट्स कैनी ने। इस पोएम के अंदर वो अपनी मदर की याद करते हैं और कैसे उन्हें अपनी मदर की याद आ जाती है बारिश से, ये हम समझने वाले हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को ईजी और एफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. तो यहाँ पर पोएट ये बोलते हैं कि जब चारों तरफ वो देख रहे हैं बाहर का एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर शेडोज, मतलब जैसे शेडो होती है ना, परछाई के बाद अंधेरा हो जाता है, इस तरीके का बाहर अंधेरा हो चुका है। जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर उन्हें कुछ ह्यूमिडिटी भी महसूस हो रही है, मतलब नमी महसूस हो रही है आसपास एनवायरनमेंट पर, कुछ गीला गीला सा उन्हें महसूस हो रहा है। ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, मतलब चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है। जो डार्कनेस है वो क्या कर रही है, एक तरीके से सैडनेस फैला रही है, मतलब दुखीपन फैल रहा है, लोग थोड़ा सा दुखी दुखी सा फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डार्कनेस। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और यहीं पर क्या होता है, धीरे धीरे करके ये जो डार्कनेस है उससे बारिश आना शुरू हो जाती है। जैसे वीप्स मतलब आंसू हम लोगों के टपकते हैं, इसी तरीके से ऐसे ही रेन की जो रेन है वो ड्रॉप, रेन की जो ड्रॉप्स हैं वो आंसू की तरह गिर रही हैं। वॉट अ ब्लिस to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कितनी मज़े की बात है, ब्लिस मतलब कि कितने आनंद की बात है कि मज़े से अपने जो पिलो है उसके साथ मज़े से कॉटेज चेंबर के अंदर लेटो। कॉटेज चेंबर क्या होता है, एक छोटा सा मकान होता है, उसके अंदर आराम से लेटो और मज़े से बेड पर लेटे लेटे आवाज़ सुनो इस बारिश की बूंदों की। तो जो बारिश की बूंदें हैं इसकी, मज़े से आवाज़ सुन रहे हैं, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि हर एक जो बूंद है, हर एक जो बूंद है, टिंकल मतलब कि हर एक जो बारिश की बूंद है उससे जो आवाज़ हो रही है, ये कहाँ पर गिर रही है बारिश की बूंद, छत पर, शिंगल्स मतलब जो छत है, रूफ है, वहाँ पर ये गिर रही है, वो हर एक बूंद उनके दिल में गूंज रही है, उस बूंद की आवाज़ एज एन इको। इको मतलब कि जो आवाज़ वापस लौट कर आती है, तो एक तरीके से उनके दिल में ये आवाज़ क्या हो रही है, गूंज रही है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और इन आवाज़ों की वजह से उन्हें बचपन की बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो इन आवाज़ों की वजह से उनकी बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो देखते हैं आगे क्या बताया उन्होंने। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव्स देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो वो ये बोलते हैं कि जो हवा के अंदर है ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई बुन रहा है हवा के अंदर, बुनना करना आप जानते हो, जैसे हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं बुन के, तो इस तरीके से कुछ कोई बुन रहा है, और ये जो चीज़ें कोई बुन रहा है, इन एक एक बुनने के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि उनकी यादें रिकलेक्शन होता जा रहा है, मतलब जो भी उनकी यादें हैं वो ताज़ा होती जा रही हैं। फिर वो बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं इस आवाज़ को सुन रहा हूँ ऐसे ऐसे मेरी यादें ताज़ा होती जा रही हैं। नाउ इन मेमरी कम्स माई मदर, और अब इनकी मेमरी में, मतलब अब जो इनकी यादें उनमें इनकी मदर आती हैं। इनकी मदर को गए हुए बहुत साल हो गए हैं, एज शी यूज इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। तो यहाँ पर ये जो उनके डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, मतलब जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बात करी गई है। यहाँ पर पोएट बात कर रहे हैं किसकी, अपनी मदर की और अपनी और अपने भाई बहनों की। तो जो उनके डार्लिंग ड्रीमर्स हैं उनकी मदर के, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन When I played upon the shingles by the patter of the rain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो यहाँ पर पोएट ये बोलते हैं कि ये जो आवाज़ें हैं, इन सब आवाज़ों को सुनकर, ये जो आवाज़ें मेरे मन में गूंज रही हैं, दिल में गूंज रही हैं, इन सब आवाज़ों को सुनकर मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आती है, उनकी बहुत सारी चीज़ों की याद आती है। कब याद आती है, जब ये
बूंदे जो हैं शिंगल्स पे, मतलब जो छत है उसके ऊपर गिर रही हैं, आसपास की जगह पर गिर रही हैं और उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो यहीं पर जो हमारी पोएम है ये ख़त्म होती है। इस पोएम के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये रे, आप देख लीजिए। और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन, वॉट डज़ द पोएट लाइक टू डू वैन इट रेन्स, जब बारिश हो रही होती है तो पोएट को क्या करना पसंद है? आपको पता है कि पोएट को क्या करना पसंद था? मज़े से अपने कॉटेज चैम्बर बेड के ऊपर लेट कर और अपना पिलो लगाकर, तकिया लगाकर मज़े से जो बारिश की आवाज़ है उसे सुनना उन्हें बहुत पसंद था। तो यहीं पर हमारी जो पोएम है ये ख़त्म होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आई हो।